डायलॉग टाइम टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आजकल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का ट्रेंड काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। जैसे मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स, डीसी का भी अपना एक यूनिवर्स है और हाल ही में रिलीज हुई अवतार द वे ऑफ वाटर वो भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही पार्ट है। पर ये सब तो हॉलीवुड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब इंडिया में भी इसका ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन से यूनिवर्स हाल ही में बने हैं और इनको बनाने का फायदा या नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है रोहित शेट्टी का कोप यूनिवर्स, जिसकी शुरुआत 2011 में सिंघम मूवी के साथ हुई थी। अब तक इस यूनिवर्स की 4 पिक्चर्स हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा एंड सूर्यवंशी जैसी मूवी शामिल है। इसके बाद आता है विक्रम यूनिवर्स, जो 2022 में रिलीज हुई और इस मूवी ने सबको चौंका दिया जब ये मूवी कैथी से कनेक्ट हुई। एंड इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में सूर्या एज रोलेक्स नजर आए और इस मूवी के लाइनअप में काफी ज्यादा मूवीज होने वाली है और ऑडियंस को काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इंडियन यूनिवर्स है प्रशांत वर्मा का हनुमान यूनिवर्स। इसके 2 मूवीज के टीजर या ट्रेलर हमारे सामने आ चुके हैं। पहला है अधीरा का टीजर और दूसरा है हनुमान का ट्रेलर। ये यूनिवर्स सुपर हीरो जॉनर से बिलोंग करता है और इस 3 यूनिवर्स को कोर नहीं जानता। ये एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, जिसकी 6 मूवीज लाइनअप में है, 3 को हम देख चुके हैं, पहली स्त्री, दूसरी रूही और तीसरी भेड़िया। इस यूनिवर्स को और अच्छे और डीपली समझने के लिए मेरी ये वाली वीडियो देखना मत भूलना। दी लास्ट आता है यशराज का स्पाई यूनिवर्स, जो आजकल सबसे ज्यादा हाइप में है। पठान इस यूनिवर्स की 4th मूवी है, जो ऑफिशियली इसे एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बना देगी। इस यूनिवर्स में फिलहाल काफी बड़े बड़े स्टार एग्जिस्ट करते हैं। सलमान एस टाइगर नजर आते हैं, ऋतिक रोशन एस कबीर नजर आते हैं एंड फाइनली शाहरुख खान एस पठान नजर आएंगे। इस साल इस यूनिवर्स की 2 मूवीज रिलीज होंगी। पहले आएगी पठान, जो 25 जनवरी 2023 में आएगी और इन दी लास्ट दिसंबर में टाइगर 3, जो इस यूनिवर्स को काफी ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करने वाली है। सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के अपने ही फायदे और नुकसान है। इसके फायदे ये हैं कि इन यूनिवर्स की मूवीज को प्रमोशन में ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती एंड एक ही स्टोरी को डिफरेंट डिफरेंट एंगल एंड स्टार्स के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा ये है कि ये रेवेन्यू जनरेट करने में मेकर्स के लिए एक त्रुपकाई का साबित होती है एंड ऑडियंस को एंटरटेनमेंट टॉप लेवल का प्रोवाइड होता है। कौन नहीं चाहता सलमान और शाहरुख को बड़े स्क्रीन पर एक साथ देखना। इसका एक फायदा ये भी है कि ऑडियंस इन मूवीज से जुड़ी पुरानी फिल्मों को देखना स्टार्ट कर देती है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन लेकर करे या फिर किसी और तरीके से, समझ रहे हो। एंड आप मानो या ना मानो, इन मूवीज को काफी ज्यादा फायदा होता है। इसका नुकसान यह है कि इसके स्टोरी राइटर्स के पास फ्रीडम नहीं होती। एक मूवी दूसरी मूवी से कैसे कनेक्ट होगी, ये ध्यान में रखकर ही इन्हें मूवी की स्टोरी लिखनी पड़ती है एंड एक टाइम पर आकर ऑडियंस इन मूवी से बोर होने लगती है, क्योंकि मेकर्स ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने के चक्कर में क्वालिटी पर फोकस नहीं कर पाते। इसका एक तगड़ा एग्जाम्पल है MCU का Phase 4, लाइक शी हल्क, मिस मार्वल, थोर लव एंड थंडर एंड मैनी मोर। इसके अलावा तुम मुझे बताओगे तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पे कहीं से भी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी नई नई वीडियोज बनाने के लिए। और पर्सनली मिलना है तो यहाँ मिल जाऊंगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मैंने बाकी मूवीज पे भी बात की हुई है तो उनके लिंक मैं आपको यहाँ और यहाँ दे दूंगा, यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।